मेरे जिंदगी में मेरे बाप के घर के सिवा मेरा दूसरा घर नहीं है, एक प्लॉट नहीं है और ना मेरे पास साइकिल भी नहीं है। जब से बना हूं मैं यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं, हर बच्चा जानता, हर बुढ़ा जानता मेरे को। ऊपर वाले को, मेरे ऊपर वाले को जवाब देना है, इनको क्या देना है? मेरे बस मैं 75 साल का हो गया हूं, मेरे ऊपर जाना है। अब कब होता मेरे को ये नहीं मालूम, मेरे जाना है, जवाब देना है आपको। और मेरा बैंक बैलेंस 9602 है, जाके देख सकते कितना टर्नओवर रहा है, कितना पैसा है। मेरे वाली साहब के हिस्से में जो घर आया वही घर है मेरे पास, और मेरे पास आवाज में एक प्लॉट नहीं है। एक इंच भी इधर गई ना, एक इंच उधर गई, अगर से एक इंच भी इधर या एक इंच उधर हो गया है तो आप औकाफ में, CBI में, ED में आप डाल के इंक्वायरी कराओ। जब इतने पेपर लेके ठहर रहे हैं तो औकाफ वाले इलेक्शन कहीं करे, इंक्वायरी कराना था पहले। प्रॉपर्टी हमारे औकाफ के लास्ट इलेक्शन करा, झगड़ा क्यों लगा रहे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साबिका बस स्टैंड मस्जिद कमेटी शाहबाद। मैं समझता हूँ, मैं 1982 से मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट था। 2018 में इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन कराने के लिए हम जो है उसका बैलास बनाए थे। बैलास जो है हमारा सिम था, एक हमारा KB से लेके रेलवे गेट तक, उधर से जो है हमारे महूब भाई को घिचारी गली से लेके DSP ऑफिस तक हमारा एक रेंज था। कम से कम एक 8-10 वार्ड उसके रेंज में थे। उस वक्त के जो सेक्रेटरी आए थे औकाफ के, उन्होंने देख के अप्रूवल करके उसी के अंदर इलेक्शन कराए थे। इलेक्शन कराने के बाद हो गया, ये बन गई 12 आदमी की, 11 आदमी कमेटी बन गई, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो गया, तो 3 साल ख़त्म हो गया। मगर यहाँ पर हमारे कुछ औकाफ के मेरे ख्याल से ऐसे ऑफिसर हैं, अब नहीं बोल सकते हम क्या करें, उन्होंने क्या करें मालूम है, ये कोरोना में हमारा मेंबर रिन्यूअल नहीं कर दिए। हम बने ना मेंबर्स, कोरोना में हमारे मेंबर रिन्यूअल्स नहीं करे, हम समझे रिन्यूअल करेंगे, झट डिक्लेयर कर देंगे पूरा शाबाद जो है मेंबरशिप बनाएंगे। जबकि यहाँ पर 15 से 18 मस्जिदें हैं औकाफ के अंदर, समझ नहीं, 15 से 18 हैं औकाफ के अंदर हैं, औकाफ के तहत चलते हैं, हमारी भी औकाफ के तहत चलती है। हम उनको कंप्लेंट करें, कोर्ट में भी गए कि अब ऐसा कैसा बनाते, तो ये लोग क्या करें, वो हम ऑफिसर की क्या जिद थी समझ में नहीं आया मेरे को, पूरे नए नए हम बनाने वाले बल्कि ऐसा बना दिए। हालांकि हमारे पास रूल्स है कि एक मस्जिद का औकाफ का मेंबर ये मस्जिद में नहीं बन सकता, फिर भी सब पूरे मस्जिदों को बनाए। हमारे आउट ऑफ ईयर रेंज के जो हमारे शाहबाद म्यूनसिपल्टी में नहीं है, लिमिट आउट ऑफ लिमिट के लोगों को बना दिए, जैसा कि HMP है, शांत नगर है, वहाँ के लोगों को मेंबर बना दिए। हम उसको कंप्लेंट भी करें उनको कि भाई ऐसा नहीं होता है, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर एक लेटर भी दिए कि हमारा जुडिशरी इतना अच्छा है वो नहीं है बोल के, तो भी उन्होंने मानने को तैयार नहीं हुए, समझे नहीं। उसके बाद में भी जो, और हम क्या चाहते थे, इलेक्शन नहीं होना है क्योंकि क्या, क्योंकि इलेक्शन हम नहीं चाहते हैं कि हम आपस में बैठे करना है, क्योंकि ये जो पैसा जो वेस्ट हो रहा है, लास्ट टाइम 2 से 4 लाख रुपए हमारा एक चंदा जमा करके खर्चा करे उन्होंने, आज 4 से 6 लाख रुपए मस्जिद का पैसा हमारा पैसा चंदा लेकर को खर्चा कर रहे हैं। कम से कम 8-10 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया मस्जिद, हमारे अवाम का गया, अवकाफ का तो कुछ नहीं गया, समझ। ये यूज बनाने का हम कुछ तो काम होता था नहीं, उनको जिद है ऑफिसरों को कि हम नहीं है। 10 बार बोले, हम मैडम के पास भी गए, देखो मैडम पूरा शाबाद कर रहे हैं, नहीं हम ये पास करके भेज यहाँ से, कोई पास नहीं करे, ना कोई रेजोल्यूशन पास करे, ना कुछ नहीं, क्या नहीं, आगे डिक्लेयर कर दिए। अब हम मजबूर ख़राब नहीं होना, हम इलेक्शन को ऐसे फाइट करने को ऐसे कर। बाप साहब, आप पिछले 40 साल से मस्जिद कमेटी के सदर भी रहे हैं और नौजवान कमेटी भी आपके साथ थी, तो इन 40 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ जो नौबत इलेक्शन पे आ गए? कौन सा ये जो 40 साल से आप मस्जिद को मेंटेन करते आए, जगह को मेंटेन करते आए, नौजवान कमेटी आपके साथ, तो इन हाल ही में मैं समझता हूँ 5-6 साल से ये इलेक्शन का, 5 साल से हो रहा है, तो क्या ऐसी वजह हुई जो इलेक्शन का सिलसिला चालू हो गया? उसमें क्या हो गया कि हम मस्जिद जो है पहले सोच बहुत छोटी थी, आप मैप होंगे या आप देख रहे होंगे, ये कहाँ है, ये वो छोटी मैप है ना, उसमें छोटा नहीं नहीं या। ये इतनी थी मस्जिद, ये पहले मस्जिद में जब बना था इतनी मस्जिद थी, समझे ना। उसके बाद में हम जो है उसको तौसी करते गए, आज जो आप जो है ना, अभी पहले 37/40 कुछ थी, आज 120/70 है। हम मेरे पीरियड में क्या हुआ, हमारे मस्जिद हमारे कमेटी के पीरियड में हम सोचे कि भाई इसको जो है मौलाना को पेमेंट देने के वास्ते हमको ये अर्निंग नहीं हो रहा था, छोटे मोटे पुरकनों के मकान थे, दीनी मदरसा भी वहीं दीनी मदरसा कन्वर्ट होके अंजुमन स्कूल हो गया वहाँ पर, तो वो था गोश्त की मार्केट थी, सब वही था। तो हम क्या करें कि भाई औकाफ से लोन लिए 8 लाख रुपए,
जब हमारे बाबू राव चौहान साहब मिनिस्टर थे, अब्दुल हमीद साहब इंडसगिरी जो है औकाफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 5 लाख 1 3 लाख 1 खींचते ही उन्होंने 5 लाख लेने के बाद हम जो इस पूरे दुकान वाले को खाली कराए, खाली क्या बेचारे को ऑप्शन दिए, पूरे मार्केट वगैरह खाली हुए। अंजुमन स्कूल एक था वहाँ पर, हम उनसे रिक्वेस्ट करें तो हाजी अब्दुल चिट साहब, हाजी अब्दुल चिट साहब अब्दुल सेक्रेटरी थे, अब्दुल रहीम साहब सदर थे, हम उनसे एडेड स्कूल था, हम खाली नहीं कर सकते थे, उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि भाई हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोले कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारी जगह है बाजू मस्जिद के बाजू, हम गवर्नमेंट से लिए वहाँ पर हम जाते हैं मगर पैसे नहीं है, बनाने पर शिफ्ट करते हो, तो हम बोले नहीं हम आप कमरे बना के देते चार, अब उधर शिफ्ट हो जाओ। तो हम क्या करें, अच्छी बात है बोले बाद एग्रीमेंट होने के बाद हम क्या करें, इधर से इधर पत्थर जो इधर का हमारा जो था पुराना निकला हुआ लेके हम चार कमरे बनाए, आज तक भी दीवार के पास चार कमरे है वैसे से। बनाने के बाद में कॉम्प्लेक्स बन गया, हम 8 लाख रुपए जो है ना वो लोन दिया, हम लोन फेड़ गए, हम दे दिए गवर्नमेंट को पूरा 8 के साथ 1 लाख एक्स्ट्रा बोल के हम लेके नोटिस सर्टिफिकेट लगाए लाए। हम उसके बाद सोचे कि भाई हम अगर से हम गवर्नमेंट से लोन दे तो फेड़ते कौन बैठेंगे, हम क्या करें, अब्दुल इकबाल अहमद सरगी साहब हमारे MP थे जब, उनको बोले कि समुदाय भवन हमारे को बना के दे दो, समझे नहीं, हमको अच्छा होता कि हम आगे जो शादी खाने हो शादी हो समाज को कुछ होता, तो उन्होंने क्या करें अपने तरफ से हर साल थोड़ा 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 पैसा सैंक्शन करके वो 75x65 का हॉल बना के दिए हमारे ऊपर और नीचे, हम थोड़ा लोन लिए थे वो पैसा भी डाले बनाए हॉल बनाए। जब इनका पीरियड ख़त्म हुआ हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब MP बने, पैसा कम पड़ा था, हम उनको रिक्वेस्ट करें तो उन्होंने भी सैंक्शन करें हमारे, उसके बाद वो ऊपर हम वो पैसा से बनाए। उसके बाद जो है जब वो कम पड़ा था हमारे हमारे जी रामकृष्ण साहब हमारे MLA थे उनके यहाँ से अमाउंट सैंक्शन करे और ऊपर हम फिनिशिंग कराए। सब होने के बाद और ये हो रहा है तो बेचारे मुत्ती मूर साहब हमारे MLA है ना, उन्होंने 5 लाख रुपए सैंक्शन करे थे उनके इसमें हम बनाए। सर आप सब चीज़ क्लैरिफाई कर रहे हैं मगर सुनो ये भी है कि आप मस्जिद प्रॉपर्टी कमेटी के जो प्रॉपर्टी है सेल और परचेज करने में आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ है प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी तो सेल करना, ये प्रॉपर्टी औकाफ की प्रॉपर्टी होती है समझे ना, और उसकी और प्रॉपर्टी के अंदर वो मैप लग बता लो, ये हमारे 1970 का मैप है 1970 उस वक्त की कमेटी, हमारे वालिद साहब से मोहम्मदीन सेक्रेटरी थे, सीरज हुसैन साहब थे, यूसुफ साहब थे और दूसरे और बहुत से मेंबर, उनके सिग्नेचर है इसके अंदर और औकाफ के इंस्पेक्टर का ये भी है सिग्नेचर भी है, ये वक्फ करे है प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ही हमारी पूरी प्रॉपर्टी है, हमारा ये अरबी स्कूल वो स्कूल 282 वो कुछ नहीं सब इसी में है, और 282 जो अब जो आ रहा है ये 282 कोई सर्वे नंबर नहीं है ना, ये प्लॉट नंबर है, ये गेजिट नंबर है, आपको बता कहाँ है बोला गेजिट कापी है, देखो ये 282 गेजिट का नंबर है समझे नहीं, ये गेजिट नंबर है, वो क्या करें, और हमारी जो ये प्रॉपर्टी है फीट में है, आपको बता रहा हूँ 80 से पहले कोई मीटर नहीं चलता था, आप क्लियर कर लो, आपको मैं सुना सो बोल रहा हूँ 80 से पहले कोई मीटर नहीं था, फीट में चलती थी, और हमारी पूरी प्रॉपर्टी ये जो है अभी फीट में है, स्कूल भी फीट में है और उसकी बाउंड्री भी है हमारे इसके कहाँ के है, ये इसको क्या करें ये बना के उधर का बता रहे हैं और उसको मीटर बना दिए ना, हमारा मीटर है और उसकी बाउंड्री भी जो है ये है, यानी जब ये मसला चल रहा था तो हाँ। उसको सर्वे की तरफ से फिट के फिट काउंटिंग में उसको सर्वे किया, जब तो मीटर नहीं था ये बात में हाँ माने हाँ गैजेट नंबर है, गैजेट नंबर पार्ट है क्या मस्जिद का, है मस्जिद का पार्ट है, मस्जिद के पीछे का हिस्सा है और वो मस्जिद के हुदूद में नहीं है, मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद की प्रॉपर्टी मस्जिद के इसमें जो हम बनाए हुए हैं। अच्छा आप बनाए हुए हैं, ये देखो ये है ना, आप आपको बताता हूँ आपको ये वो स्कूल का पीछे का ऑलरेडी आप बनाए हुए हैं, ये है ना आप ये देख लो, ये पीछे कमरे दिख रहे हैं, वो ये मस्जिद के मस्जिद का छत डाल देखो पीछे का हिस्सा है, ये मस्जिद के आप कमरे दिख रहे हैं आपको, ये स्कूल के कमरे हैं, ये जब हम लोन लिए औकाफ से, यानी कि आपका कहना है आप जहां पर अंजुमन स्कूल है वो अंजुमन स्कूल जो रिलीजियस स्कूल वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि CMC की प्रॉपर्टी, वाह वक्फ बोर्ड के पीछे की जो पहला स्कूल हुआ करता था वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, मैं आपको बता रहा हूँ CMC की कोई प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी है, वो ये 282 भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसमें एक लेटर है आपका बताता हूँ आपको, मैं एक लेटर लिखा था आपका इसमें हुआ में
नहीं नहीं उसका ये नहीं बता रहा हूँ आपको, नहीं ये मेरा एक लेटर है कन्नड़ा में लिखे वहाँ इंग्लिश में लिखा ये मामा ये लेटर है ये हमारे नो हम बनाने के बाद में लोग क्या करें कि वहाँ क्लेम करने लगे उस जगह का क्लेम कर रहे थे कि वो हमारी जगह वहाँ है बोल के तो मैं औकाफ को लेटर लिखा हूँ हमारे नो औकाफ को सेक्रेटरी को डीसी को सबको बेंगलुरु को लेटर लिखा हूँ मैं कि ऑलरेडी हम लोन लिए हैं और 280 में हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं ये हमारा नहीं है वो जगह आप अगर है तो क्लियर करो हमारे को बोल को लिखा हूँ ये उसके लेटर है जो औकाफ को लिखा हुआ मैं औकाफ को मैं खुद लिखा हूँ औकाफ ऑफिसर को लिखा हूँ डीसी को भी लिखा हूँ और वहाँ पे इनके औकाफ को भी लिखा हूँ मैं कि ये प्रॉपर्टी जो हम क्लेम करना चाहते हैं वो हमारी नहीं है मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं है वो मस्जिद की प्रॉपर्टी यहाँ है जो ऑलरेडी हम लोन लेके बनाए हुए हैं ये मस्जिद औकाफ को लिखा हूँ मैं ये समझे नहीं और वो हमारा है भी नहीं वो कुछ नहीं वो कभी उन्होंने नवाब का बोलते हैं कभी औकाफ का बोलते हैं वो खैर उनका लेट भी पटेल ने जो एलिगेशंस लगाया आपके ऊपर तो ये बेसलेस है अब आपको अंदर तो लगाओ मैं क्या बोलूं मैं तो बता रहा हूं यहां है ऐसा लगता है कि ये जो मस्जिद कमेटी का इलेक्शन हो रहा है इसको पॉलिटिकल वे में लेके जा रहे हैं देखो अब देखो मैं एक बात बताऊं मस्जिद का सिंसियरली अल्लाह की खिदमत के लिए करना चाहते हैं तो मिलके बैठे करते हैं और कोई पूरे शाबात का नहीं बनाता पूरे शाबात का हवारियों को सबको इनको उनको बनाना चाहता है तो सियासत करना चाहता है ये सीधी बात है ना अखाड़ा बनाना चाहता है मस्जिद को इसके लिए कुछ नहीं है हम नहीं चाहते थे मस्जिद पूरी पूरा शाबात होना क्यों 15 और मस्जिदें हैं औकाफ के तहत ये मस्जिद पूरे शाबात है क्यों ये औकाफ की मिली भगत से कर रही है हाँ, क्या बोलिए सर और एक आपके भाई के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं टोटल 2,83,00,000 के रिलीजियस स्कूल के ऊपर लोन लेके कौन से रिलीजियस स्कूल जॉनमन स्कूल है ना हाँ उसपे 2,83,00,000 का लोन लिया है कहाँ है वो लोन अंजुमन स्कूल का हमारा कंसल्ट नहीं है ये अंजुमन स्कूल के ना सेक्रेटरी भाई के ऊपर एलिगेशंस कहाँ से लिए किसके पास से लिए अंजुमन की जो प्रॉपर्टी है वो भी वकफ में आती है नहीं 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 वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो 70 में स्कूल वाले गर्ल्स स्कूल के वास्ते लिए हुए हैं उनके पेपर्स पूरे ये है देखो ये म्यूनसिपालिटी का लेटर ही नहीं लेटेस्ट उसमें ये उसमें लिखे हुआ है देखो अंजुमन स्कूल बोल के वाले म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपालिटी कहाँ है प्रॉपर्टी वो भी लिखे हुआ है हमारी प्रॉपर्टी का ये ऑथेंटिक ऑफिसर चीफ ऑफिसर कमिश्नर की तरफ से मेरे तरफ से नहीं है और उन्होंने जो बता रहे हैं अब जो उल्टा हुआ क्या नहीं ना ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने जो बता रहे हैं 82 यहाँ बता रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी इधर जमीन आसमान और इसका सिम्प्त भी जो हमारा जो है सिम्प्त जो बताया गया है ये आप किसी हालत से उसको मेल नहीं खाता है कैसा नहीं मेल खाता है आपको बता रहा हूँ मैं तुम्हारे ये हमारी मस्जिद है देखिए आप इसके अंदर ईस्ट इधर आता है क्या दिया है वहाँ मस्जिद और रास्ता स्कूल के सामने बाजू रास्ता जा रहा है वो मस्जिद है ये ईस्ट होता है वेस्ट रोड बन रहे हैं आप आ रहे हैं उधर से रोड है वो तो और मस्जिद का एरिया कितना है टोटल मस्जिद का आपको एरिया होना है जरूरत नहीं है आप मैप लेके जाओ ये प्रॉपर्टी कहाँ है पूरा वो और ये इसके अंदर वेस्ट जो है ये साउथ जो है आज रोड है दिखता ना रोड दिखता ना ये रोड दिख रहा है मस्जिद दिख रही है ये इसके बाउंड्रीज हैं क्या वहाँ के बाउंड्री मेल खाते उसको सोच आप भी सोचो क्या वो वहाँ के बाउंड्री यहाँ को मेल खाते हो पूरी मस्जिद है हमारी ये पीछा नहीं है और आपको मैं ये बताया था पूरी प्रॉपर्टी का एक बेरा आपको तो पूछ रहे ना ये आप होना है तो पेपर ले लो पूरी प्रॉपर्टी है हमारी मस्जिद की आजू बाजू फीट के हिसाब से मीटर के हिसाब से नहीं है आप देख ले सकते जैसे कि ये ईदगाह की जो जमीन है हाँ कितने एकड़ में फैली है 7 एकड़ 28 घंटे कितना था आपके पहले वो अब हमको पहले एकड़ कितना था आप नहीं बोलना है वो हम करे सो है मेहनत करे क्या हुआ है अब उसको गैर जरूरी उसको उछाल के बटे 7 एकड़ 28 घंटे और ग्रे यार्ड जैसे कब्रिस्तान की सर 3 एकड़ कुछ है मेरे को अंदाजा नहीं है बाउंड्री हमारी फिक्स है वो हमारी कुछ जाने वाली नहीं है इधर नाला है उधर दीवार है उधर पटरियां है इधर रोड है आप जब इतने अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है सरकारी कागजात सब चीजें हैं तो क्या ये मस्जिद के मसले को आपसी नहीं के हल नहीं किया मैं एक बात बोलूं आपको सच चप्पल पहने तक झूठ जो है पूरा गांव फिर कर आता है हम के गांव पूरा फिरते बैठना साथ में उसके नहीं है नहीं है नहीं है बोल लेते तो फिर पर्सनली पर्सनली है आपके पर्सनली ले रहे हैं
तो शाहबाद के कोई एक जिम्मेदार तो होंगे कि भाई ये देखो साहब जीवन के जामा मस्जिद की सेवा की एक अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 में पहला चुनाव हुआ, 2024 जनवरी 2014 तारीख को ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। पिछले चुनाव में जो आपके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा था आज आपके पैनल में है और वो चुनाव की बीज बोया है आज आपके ही पैनल में है। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो आपको, आप मेरे गुस्से में आते आज गाली देते, कल मेरा बारे मालूम हो तो आप मेरे दोस्त बन जाते, तो मैं पिछले का याद रखूं आपका? अच्छा तो आप नहीं, एक बात बताता हूं आपको, हमेशा कोई भी दुश्मन दोस्त नहीं होता है, ये मुनाफिकाना ज़हनियत वाला दुश्मनी कर सकता है। मुंशी साल के सामने की बाजू जगह बेचे बोल के उन्होंने है ना आपको, ये मुंशी साल के मैप है, पूरा है, रफ मैप है ये उसका ऑथेंटिक। अभी ये हम बनाए थे ये गवर्नमेंट के वास्ते बोल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना बोल के, अभी ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बना के रखे थे, ये म्यूनसिपालिटी में इसका नंबर है और म्यूनसिपालिटी में ऐसा ही है समझे। और एक बात बताता हूँ आपको, उसके सामने का हिस्सा बेचे बोल के उनको मेरे बारे में कंप्लेंट किए थे कि कहाँ करे थे पुलिस में। वो जो जगह है 1968 के अंदर शुक्र बोल के थे, आपको मालूम है शायद नहीं है मालूम मेरे को, शुक्र बोल के तिरंदा थिएटर में अब ये थे आपके टिकटों में सुपरवाइजिंग थे, उनके घर थे वो पूरे, वो हम छोटे थे जब देखते थे वहाँ समझ। और उसके उनके ससुराल का था वो घर, वो उसके उनके ससुराल के औलाद नहीं थे, लड़के नहीं थे, उनके हिस्से में आया उन्हों कब 60-70 के बाद बोल रहा मैं आपको। वो उन्होंने वहाँ से उसको क्या करे, मर गए उनके बच्चे, बेच दिए, सुना नहीं आप, वो बेच दिए, कौन दिए अभी आप जो किराएदार है वो है वो ले लिए उन्होंने। पहले कितने एकड़ में? जरा ठहरो आप, जरा मैं अब मेरी बात तो सुनो आप, पूरा कंप्लीट होने दे। वो उन्होंने खरीद लिए, उन्होंने खरीद लेने के बाद में वो जगह है 1970 के बीच में से उनकी जगह है, मैं आई हूँ 82 में, आपको बता देना चाहता हूँ। और जो एलिगेशन जो लगा रहे हैं पैदा हुए 86 में, जो एलिगेशन लगाने वाला 86 में पैदा हुआ है, मैं 82 में चार्ज दिया हूँ मस्जिद का और ये 70 से पहले से प्रॉपर्टी उनके पास है, तो मैं कैसा बेचता हूँ, कहाँ से आता हूँ, तरफ बोलो मेरे को। सोचने की बात ये है, मैं वहाँ 68 है या 70 से पहले प्रॉपर्टी उनकी है, वो उन्हें घर है उनके, उससे पहले हम छोटे थे खेलते थे भी थे वहाँ, गिल्ली डंडा बनाते थे हम सब थे वहाँ पर। वो उसके बाद मैं 82 में आया और 86 में पैदा हुए जो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कैसा मैं बेचता हूँ? उन्होंने मुंशी पुलिस में कंप्लेंट करे, उन्होंने ये कर दिए है कि नहीं? वो पुलिस कंप्लेंट जो हुआ उसके बाद में कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ शॉर्ट नहीं नहीं, नहीं 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 मेरे कुछ उन आए नहीं, मेरे को बोले नहीं डॉक्यूमेंट डीएसपी, उन्होंने जो है खाली औकाफ से म्यूनसिपालिटी से कलेक्ट करे और कोर्ट में पेश कर दिया। तो मतीन पटेल का ये इलेक्शन जीतने का एक्शन प्लान है क्या सर? अब आपके पर एलिगेशन लगाए एक्शन, उन्हें खाली ये क्या बोलते इलेक्शन जीतना है क्या, गाँव में बॉस बन के फिरना है, ये मेरे को नहीं मालूम। वक्फ बोर्ड की हो गई अभी, पहले म्यूनसिपालिटी में था, हम खरीद को लाने के बाद में म्यूनसिपालिटी लड़े जीते, बेलीफा के हैंडओवर करे औकाफ के हमारे इसको, हम औकाफ को दर्ज करें। कंक्लूजन ये करेंगे कि मस्जिद की जो मतलब अंडर जो जगह, हाँ उस बारे में एक शॉर्ट कंक्लूजन एक दो मिनट अगर आप कर देंगे। 40 इयर्स से आप सदर हैं, हां बोलिए, तो आपकी सदारत में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए, डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारे पास जो हम जो बने, मैं आने के बाद 82 में मैं आया, मस्जिद छोटी सी थी 37 हम पहले मस्जिद को बुनिया बना, हमारे रजाक भाई और सलाम भाई थे उन्होंने एक 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 प्लान डाले थे 40x70 का, उसके बाद से मेरे को बनाए, मैं 80 में यहाँ पर आया MBBS करने के बाद, 82 में मेरे को बनाए, बनाने वाले में हाजी हमारे यूसुफ साहब थे, अब्दुल नबी इंगड़ी साहब थे, सिर हुसैन साहब थे, ये लोग मेरे को बनाए, हमारे वाली साहब तो नहीं थे, 10 साल हो गया था इंतकाल होकर, वो लोग मेरे को बनाए थे। हम लोगों की ताउन से 140x120x78 कुछ है वो 69 238 टोटल है वो जमीन 238 आप जो छत डाले हैं हम 140 40 और 40 120 फीट लंबा ऐसा डाले, 70 फीट ऐसा है वो डबल बना है मेरे पीरियड में, और हमाम ये तुम्हारे वजू खाने बने मेरे पीरियड में, और वजू खाने बने मेरे पीरियड में, उसके बाद में जो औकाफ से 8 लाख रुपए लोन लेके फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरे पीरियड में बनाए खाली करके, और 8 लाख हम हमारे इनो थे खबरुल खान साहब थे, वो उन्होंने क्या 11 लाख दे बोल के बोले थे, हम जाके बैठ के अब नहीं होता हमारा ऐसा बोले, एक मुश्त में बात करके 9 लाख रुपए उनको दे के हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिया, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लिया हम,
उसके बाद हम सोचे कि भाई हम पैसे लेके लोन बनाए तो अच्छी बात नहीं, हम एमपी के फंड से बनाएंगे। तो ये हमारे एमपी साहब तीन किस्त में दे दिए, फिर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब फंड दिए, हम जी रामकृष्ण साहब फंड दे दिए, मोती मोड़ भी आखिर में उन्होंने फंड दिए। उसके 65x70 का हॉल दो बने। अब उस हाल आपको बताना चाहता हूँ आपको, वो हाल अब बनाए हम कई क्या से बनाए हैं, वो हाल गरीबों को शादियों को होते हैं, वास बयान मस्जिद में रहे तो लोगों को बैठने के वास्ते लेडीज को बैठने को होता है ना भाई, और हमारी कोई मीटिंग रहे तो रहना है। इन्हों क्या करें मस्जिद के पास या कुछ चला टूट गया बोल क्या करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे अपने दोस्तों को देने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे परमिशन लाए, कहीं समुदाय भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या, बोलो एमपी फंड में आप ही सोचो, हम ऑब्जेक्शन करें वो बुरा लगता हूँ। और ये 282 हमारा नहीं है बोल के ऑब्जेक्शन लेटर डाले वो दुश्मनी, उसका क्लेरिफिकेशन तो ऑलरेडी हो गया है। अरे भाई आपको आप एक ट्रक एक क्या बोलते डिग्गी भर के पेपर लेके गांव से बताते फिर रहे, कोर्ट को बता दियो ना होगा ना, हम रजिस्ट्रेशन होते ना, कोर्ट तो ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुकी है, वो कोर्ट क्लीन चिट नहीं, कोर्ट में औकाफ के ट्रिब्यूनल में आप क्या करे हार के आपको 500 रुपये जुर्माना डाले आप रख ले, ये है देखो ट्रिब्यूनल 500 रुपये जुर्माना डाला इनको, समझे नहीं आप, फाइन हुआ 500 यहाँ इसके अंदर कौन डाले औकाफ का ट्रिब्यूनल वाले डाले, उन ट्रिब्यूनल में गए तो फिर लोगों को यहाँ पर पेपर हम लेके देखो ये है देखो बोलते अब क्या बोलेंगे, उनके पास जो दस्तावेज है वो कहते हैं कि वक्फ की जमीन है और आपके पास जो वो बने वो जो कागजात सुनो वो बेचारा जो है ना आपको बता रहा ना उसको इंग्लिश आती ना उर्दू आती ना कन्नड़ आती, जो लोग बोले वही सुनता, वो चाय बनाने काम के हैं पेपरों। यानी आपका कहना है कि बॉटम लाइन के मस्जिद की जगह जो थी वो है, एक इंच भी इधर गई ना एक इंच उधर गई, अगर से एक इंच भी इधर या एक इंच उधर हो गया है तो आप औकाफ में सीबीआई में ईडी में आप डाल के इंक्वायरी कराओ। अच्छा एक बात आप ये जो है ना हजरत हमारे हजरत जी के गहरे दोस्त, जब इतने पेपर लेके ठहर रहे हैं तो औकाफ वाले इलेक्शन कहीं करे इंक्वायरी कराना था पहले, है ना भाई, इतनी प्रॉपर्टी हमारे औकाफ की लास्ट इलेक्शन करा झगड़ा क्यों लगा रहे आप। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी मस्जिद की जमीन है हाँ वो वैसे ही है, वैसा ही है, एक इंच भी नहीं, एक इंच भी नहीं। आप मैं औकाफ के हजरत जी को बोलना चाहता हूँ कि अगर से ये इनो जो उनके दोस्त लगा रहे ना इल्जाम आप औकाफ में लिख के दे देना था क्या, हमारे इनो औकाफ में लिख के दे देना था, उन्होंने औकाफ वाले इलेक्शन कहीं कराए पहले इंक्वायरी कराना था, अरेस्ट कराना था, कहाँ गई प्रॉपर्टी थोड़ी है क्या वो जी। हमारे हिसाब से कौन सा 60x कितनी है वो, हाँ वो 282 तो वो उनके हिसाब से मीटर के हिसाब से एक एक कर होती है, मीटर के हिसाब से एक एक कर होती है, हमारे हिसाब से 60x70 कुछ है वो इसका है, तो 20 बाजार में एक एक जमीन कितने की हो गई, आप ही बोलो मैं कुछ नहीं बोलता। तो हजरत जी के कान में तेल डाले को बैठे मैं क्या बोलना चाहूँ, हम क्या चाहते हैं अवाम समझे, ये फिरका ये हमारी झगड़े लगाना सियासत करना ये नफरत की राजनीति करना ये छोड़ो, अच्छा है कि पीसफुली अल्लाह का घर है, नमाज को लोग आ रहे डर को नहीं आ रहे, लोग मौलाना लोग डर रहे हैं, ये क्या हुआ किरकिरी इनके बहुत चली बोल को, ये मीडिया में हम तो मीडिया में आज तक नहीं, हमें 40 साल के अंदर मैं आज तक मेंबर पर ठहर के कभी बात नहीं किया, मैं एहतराम करता हूँ, इन आए के मेंबर बैठे के बोलते रहे ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप ही देख रहे हैं ना मेंबर बैठे के झूठ बोलते हैं इस तरीके से, मस्जिद बैठे के बैठ देते हैं उसके अंदर, ये ऐसा हो रहा है। आपके ऊपर कई सारे फाल्स एलिगेशंस भी लगाए अभी बताए ना, चाहे वो प्रॉपर्टी का रहने दो फाल्स एलिगेशन तो पैसा खाया है बोल के रहने दो, तो शाहबाद की आवाम में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया वाकई में डॉक्टर साहब ने किया है बोल के, तो क्या क्लेरिफिकेशन। देखो मैं एक बात बता तुम्हारे ठीक है नहीं वो नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, वो बोल लोग देखो मैं कितना भी करो 4 में से 2 लोग बोलने वाले च रहते, एक बात बता जरा सुनो मैं बोलने को दे आप दो घंटे में प्रेसिडेंट तुम्हारे पूरे जवाब देते एक एक सुनो आप, मैं जब से बना हूँ मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर बच्चा जानता हर बुढ़ा जानता मेरे को, मेरे जिंदगी में मेरे बाप के घर के सिवा मेरा दूसरा घर नहीं है, आप हमारे ना मेरे वाली साहब के हिस्से में जो घर आया वही घर है मेरे पास, और मेरे पास शाहबाद में एक प्लॉट नहीं है और ना मेरे पास साइकिल भी नहीं है आपको, और मेरा बैंक बैलेंस 9602 है, जाके देख सकते कितना टर्न हो रहा है कितना पैसा है, बैलेंस है क्या नहीं, मेरे पास बैलेंस भी नहीं है, और कहाँ से आता पैसा
स्विस बैंक में रहे तो रहना, ज्यादा करोड़ों रुपए रहे तो वहाँ, उसके सिवा कहीं भी नहीं मेरे पास, समझे नहीं आप। आप मेरा 960 तो अकाउंट देख सकते, मेरा मकान है कि प्रॉपर्टी देख सकते, कि गांव में मेरा प्लॉट है क्या देख सकते, फिर कहाँ गया पैसा फिर। ये सब लगाते रहते ऊपर वाले को, मेरे ऊपर वाले को जवाब देना है, इनको क्या देना है, मैं 75 साल का हो गया हूँ, मेरे ऊपर जाना है, अब कब होता मेरे को ये नहीं मालूम, मेरे जाना है जवाब देना है, मैं कहीं को किसी के बारे में सोचूं, कौन क्या करता क्या सोचूं मैं, ऐसे बहुत रहते बोलने वाले। देखो मेरे दोस्त मेरे को चाहने वाले रहे तो मेरे बुराई में अच्छाई ढूंढते, अगर से नहीं चाहने वाले तो मेरे अच्छाई में बुराई ढूंढते। ये देखिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन स्टेशन करे सो सर्वे रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था औकाफ की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने आके शाहबाद के पूरी प्रॉपर्टी औकाफ की सर्वे करें, उसके अंदर ये हमारी शाहबाद की प्रॉपर्टी है, ये आपको ये इस प्रकार और पूरी प्रॉपर्टी का ब्यूरो यहाँ सामने लिखा हुआ है, आप देख लो, ये आप अगर इंटरनेट पर देख लिए तो आपको पूरा ब्यूरो आ जाता। और ये हमारे मस्जिद का ये है ना, ये एल टाइप, ये हमारी मस्जिद की जगह है, इस आप जो 222 सर्वे ये बोल रहे ना गजेट नंबर सब इसमें से है। अब ये मेरा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये आप देख ले सकते, ये समझे नहीं, और पूरा उसके अंदर बोरा के ऊपर दिए हुआ है, आप उस चेक कर ले, आप इंटरनेट पे चेक कर लो, पूरे पूरे हमारी पूरी प्रॉपर्टी शाहबाद की पूरी 500 प्रॉपर्टी है, हर चीज़ का उन्होंने सर्वे करके गए थे, पुरान शाहबाद, शाहबाद तनसोली मरतूर बे ये सब जगह सर्वे करे थे, ये हमारे शाहबाद के मस्जिद का है, ये एल टाइप दिख रहा है आपको, समझे नहीं, इसको गलत फहमी मत रहो, ये हमारी पूरी माप की है, ये और अप्रूवल करी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ये